अध्याय छः। फिर सप्त के दिन वो खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वो काम क्यों करते हो जो सप्त के दिन करना उचित नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभु है। और ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वो आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वो सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वो उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, सप्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे, हम यीशु के साथ क्या करें? उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वे ये हैं, शमोन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई आंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमे, मत्ती और थोमा, हलफई का पुत्र याकूब और शमोन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का पुत्र यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। तब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे।
और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, कि क्यों पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। परन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो कृतघ्नों और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वो पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया।